नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो बीमार व्यूवर्स हैं, जय सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, दुनिया में जहां भी, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। कभी भी नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर ना आने दें, ऑलवेज कोशिश करें पॉजिटिव रहें। जब भी नेगेटिव थॉट आपके अंदर आते हैं, अपने आप से कहें, ये सब कुछ, ये सारा जमाना, एक दिन वो सारी चीजें जो आपको दृश्यमान हो रही है खत्म हो जाएंगी। आप देखो, हर चीज में परिवर्तन आता है ना। इंसान का शरीर बचपन से बुढ़ापे तक कंटिन्यू बदलता रहता है और अंत में खत्म हो जाता है, कोई भी जीव हो। क्या लेना और क्या देना है, सिंपल अपने आप को आपसे एक पॉजिटिव सोच दो, ताकि आपके अंदर पावर बना रहे। कई बार आपने देखा होगा, कई लोगों को बर्डन इतना बड़ा हो जाता है, कई लोगों को नहीं, ज्यादातर लोगों को। और ये प्रकृति का नियम भी, आप जिस चीज को खेल खेल में कर रहे हैं, हंसी मजाक में कर रहे हैं, वो काम आसानी से होता है, लेकिन उसी चीज को आप बर्डन बना लो, ओहो मुझे तो नौकरी में जाना पड़ता है, मुझे तो इतना काम करना पड़ता है, इतना करने के बाद भी इतना ही पैसा आएगा, तो ये इतना बड़ा काम कैसे होगा? अरे भाई, इतना बड़ा काम क्या तू करने जा रहा है? करने वाला कोई और है। ये नौकरी जो आप कर रहे हैं, कराने वाला कोई और है। जिस दिन वो नहीं चाहेगा, नौकरी भी छूट जाएगी। सपना देखें, सपने देखने पर सबका हक है, और उतना प्रयत्न करें जितना आप कर सकते हैं। हाँ, उससे थोड़ा और ज्यादा करें, लेकिन करें खुश होकर के, पॉजिटिव रहकर के, कि मैं निमित्त हूं, करने वाला परमेश्वर है, करने वाले कृष्ण है। तो दोस्तों, वसंत पंचमी है 14 फरवरी को, 13 फरवरी को दोपहर से शुरू हो जाने वाली है और 14 फरवरी को दोपहर तक रहने वाली है। लेकिन क्योंकि 14 फरवरी को उदया तिथि है, तो पूरा दिन आप वो तमाम उपाय कर सकते हैं जो वसंत पंचमी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी, वसंत पंचमी वाले दिन बिना भूले माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। केसर से, हल्दी से माता रानी की मूर्ति को स्नान करवाना चाहिए, केसर या हल्दी का उन्हें तिलक करें। और जैसे कि वसंत पंचमी, नाम ही है वसंत पंचमी, 5 प्रकार के उन्हें पुष्प अर्पित करें, तमाम प्रकार के पुष्पों की उन्हें माला अर्पित करें। आज माँ सरस्वती को वीणा अर्पित करें। आपकी आपकी वाचा में सच में रौनक आ जाएगी। आप देखो, कोई एक चीज है, कोई व्यक्ति बोल रहा है ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, उसी चीज को कोई दूसरा रहे ऐसे 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 करना, आपको आनंद आता है। जब आपको आनंद आता है उसकी वाणी सुन करके, तो आप उसको फॉलो करते हैं, आपके दिल को आनंद आता है, तो आपकी वाचा, आपकी वाणी अच्छी होगी, आपके अंदर ज्ञान आएगा। वसंत पंचमी है, माता लक्ष्मी के आगे 5 प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाएं, घी का दीपक, अगरबत्ती लगाएं, ओम एम सरस्वतीये नमः इस मंत्र का जाप करें। आज के दिन इस मंत्र का जाप करने से ज्ञान में वृद्धि होती है, बुद्धि तेज होती है। आज घर में मोर पंख जरूर लाएं, माता लक्ष्मी को मोर पंख अर्पित करें, और एक मोर पंख आप अपने घर के दक्षिण दिशा में छुपा दें, सॉरी दक्षिण पश्चिम दिशा में छुपा दें। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। जो पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे हैं, अपने किताबों के अंदर मोर पंख जरूर रखें, ताकि पढ़ाई में मन लगता रहे। घर में जहां धन रखा है, वहां पर भी मोर पंख जरूर रखें। मुख्य दरवाजे पर आज मोर पंख अवश्य ही लगाएं, और मुख्य कमरे में कम से कम 5 मोर पंख जरूर लगाएं। आप देख सकते हैं हमारे कृष्ण जी के पीछे कितने सारे मोर पंख रखे हुए हैं, है ना? ये कृष्ण जी हमारे यहाँ गेट के पास ही बैठे हुए हैं। कभी भी कोई नेगेटिविटी घर के अंदर एंटर नहीं हो सकती। हमेशा भगवान की मूर्तियों को उन जगहों में स्थान दे जहां से आपको ऐसा लगता है कि एंट्रेंस है, उन जगहों में जो पूजा स्थान है, मूर्तियों से एक गजब की ऊर्जा प्रवाहित होती है, जो आपके घर को हमेशा शुद्ध और प्राकृतिक रूप से उसको
उसकी जो नेगेटिविटी है उसको क्लीन करती रहती है। जब नेगेटिविटी आपके घर में होगी ही नहीं तो पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली आती है। आजमा कर देखिए, और ये उपाय जो मैंने आपको बताए आज के दिन अवश्य ही करें। जय श्री कृष्णा।